सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की स्केल नंबर 22। स्केल नंबर 22 को आज सॉल्व करेंगे। ये बाघ का बेंच जैसे बना होता है उसकी ये आपकी स्केल है। तो हमने पेपर बांट कर दी है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए थोड़ा पेपर आपने बड़ा लेना है, क्योंकि ये जो पेपर है ये मेरे पास भी छोटा पड़ गया है इसके लिए। तो मैंने इसमें बहुत कम, आप देख सकते हैं, एलिवेशन, साइट प्लान, प्रोजेक्शन मैंने बड़ा कम लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि स्पेस ही मेरा कम बच रहा था। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसके लिए थोड़ा बड़ा पेज लें। नॉर्मल पेज से ही थोड़ी बड़ी बनेगी। इसका जो हाइट है और वो थोड़ी ज़्यादा है, पर है ये लेंथ में बनेगी स्केल, पर हाइट के हिसाब से ही पेपर में नहीं आ रही थी। तो मैंने भी बड़ी कंजस्टेड करके ये बनाई है। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप इसको थोड़ा सा बड़ा पेपर लें। तो इसको शुरू करने से पहले हमारे को फुट्टा चाहिए, और ये फुट्टा हमारा है 1.10 सेंटीमीटर का। ये हमारा यूज होना है इसमें। इसकी लेंथ मैं आपको बता दूँ 152 सेंटीमीटर है, और इसकी ब्रेड्थ है 90 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 105 सेंटीमीटर। तो अपने पेपर डिविजन इसकी कर देनी है। कागज बांट मैंने आपको बता रखी है कैसे होनी है। तो देखो शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारी पेड़ियां है, बाग का जो बेंच है, वो 35-35 सेंटीमीटर की दूरी पे तीन इसमें बेंचेस बने हुए हैं। तो हमने यहाँ से 35-35 की दूरी पे तीन बेंचेस लगा देने हैं। तो हम यहाँ से निशान लगा देते हैं। ये आपका 35 और 35 × 70, तो 50-60-70 ये आपका आ गया। ये 35 और 70, नहीं तो आप यहाँ से नाप सकते हैं। ये देखिए, ये देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है। यहाँ भी आप निशान लगा देते हैं। सबसे पहले 35, 50, 60, 70, 35 × 70। अब हमने क्या करना है, इसमें ऊपर से 2 सेंटीमीटर इसके बाद है ये, तो ये घट के 33 रह जाता है। ये 35 के बाद 2, यहाँ भी 35 के बाद 2, 35 के बाद 2, 35 से नीचे 2 है ये, और यहाँ भी हम इसमें निशान लगा देते हैं। इस तरह से, और हम इसको डार्क मिला देंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि वही लाइनें पहले लगाऊं जो डार्क लगती हैं। तो क्योंकि जो इसके पाए हैं वो इन फट्टियों में नहीं आएंगे, इस तरह से 2 सेंटीमीटर, अब हमने क्या करना है, इसमें 5-5 सेंटीमीटर के इसमें पाए लगे हुए हैं। तो हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर लेना है, ऊपर भी 5 सेंटीमीटर ले लेंगे।
इस तरह से। और अब हम इसको मिला देते हैं। तो हमने कोशिश करनी है, ध्यान रखना है कि जो ये हमने 2-2 सेंटीमीटर की फट्टियाँ लगाई है, ये फट्टे हैं, इसमें ये 5 सेंटीमीटर की लाइन हमारी ना जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं ये इसके अंदर नहीं जाएगी। ये लाइन भी डार्क कर देता हूँ। इस तरह से ये 2 सेंटीमीटर की फट्टी है, ये अलग से शो होनी चाहिए, इसके अंदर ये नहीं है। अब इसके नीचे फट्टी है 5-5 सेंटीमीटर की, तो वो भी हम 3 फट्टियां लगा देते हैं 5-5 सेंटीमीटर की। ये हमारी पाई के अंदर डार्क आएगी और बाहर को हम इसके डॉटेड ले लेंगे इस तरह से। ये डार्क आएगी और यहां हम जो है बाहर को इसके डॉटेड ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी स्केल बनेगी। अब इसमें हमने जो ये हमने डॉटेड लगाए, ये हमारे 2 सेंटीमीटर के, हम 2 सेंटीमीटर यहाँ से निशान लगा देते हैं 2 सेंटीमीटर का ऊपर यहाँ पे। और यहाँ पे भी लगा देंगे अब हम इसको डॉटेड मिला देंगे। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, और इस तरह से ये आपकी जो एलिवेशन है वो बनके हमारी तैयार हो गई है। अब हमने बनानी है इसमें साइड, और इसका साइड से ये कैसे दिखता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमने ऊपर जो है वो 2 सेंटीमीटर की एक फट्टी हम लगाएंगे, तो यहीं से मैं इसका प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देते हैं हम पहले, और जो ये हमारी 2 सेंटीमीटर की लाइन हमारी आनी है ये ज़्यादा लंबी नहीं आनी है, ये सिर्फ हमारी 30 सेंटीमीटर तक आनी है यहाँ लगभग। तो इतनी सी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, बाकी मैं भी छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर नीचे से काटेंगे। ये मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है क्योंकि ये जो 5 सेंटीमीटर का इसका पाया है ये इससे ऊपर नहीं है, इस फट्टी से नीचे है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मिटाना कम हमें पड़े, तो मैं इस तरह से कार्य करता हूँ। तो ये इस तरह से ये हमारा आना है। अब हमने क्या करना है इसमें, इसके बाद यहाँ पे भी हमारा ये 5 सेंटीमीटर का पाया आना है, यहाँ पे आना है। तो उससे पहले हमें 2-2 सेंटीमीटर की रेखाएं जो है, और ये 5-5 सेंटीमीटर की है, ये हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं ऊपर से इसको काटना शुरू करता हूँ। यहाँ से हमारा है 30 सेंटीमीटर पीछे से, तो लास्ट से यहाँ से हमारा 30, यहाँ से नहीं है, यहाँ से है पीछे से। तो देखो मैं यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ये देखो हमारा यहाँ तक आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये 30 सेंटीमीटर है, आगे मैं निशान लगा देता हूँ इसमें।
30 सेंटीमीटर पे ये 60 आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे है। तो इसके हमें थोड़े से ना डॉटेड खींचने पड़ेंगे, हल्की लाइनें हमें लगानी पड़ेगी, इससे हमारा कार्य जल्दी हो जाएगा। ये 30 है, ये हमारा 60 है, तो मैं हल्की सी यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, क्योंकि ये जो लाइनें हमारी लगनी है ये सिर्फ हमारी कम कम जगह में हमें चाहिए, एक एक स्टेप के लिए हमें ये चाहिए। ये 30 सेंटीमीटर है इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये हमने 2 सेंटीमीटर की जो हमारी लाइन है, ये लाइन है, ये हमने लेनी है यहाँ से निचली लाइन पहले लेंगे, क्योंकि लाइन पूरी जानी है। और ये देखिए ये जो हमारी लाइन है ये हमारी आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक पीछे तक, और आपकी जो ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, ये लाइन 2 सेंटीमीटर की है, ये हमारी सिर्फ यहाँ तक ही है, इतनी है, इससे आगे नहीं है। और जो इसके बाद ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये हमारी लाइन है, ये 5 सेंटीमीटर की फट्टी लगी है, ये भी आपकी पूरी है लास्ट तक पीछे यहाँ से। तो इसमें पहले हमारा यहाँ पाया है इसलिए मैं इसको अभी नहीं लगाऊंगा। इसके बाद हम लगाएंगे ये वाली लाइन, 2 सेंटीमीटर वाली निचली जो लाइन है, ये हमारी जो है वो पूरी पीछे तक जाएगी। तो पहले हम ये लगाएंगे, और ये देखिए ये आपकी जो है वो अब यहाँ से है, यहाँ से ये हमारी यहाँ से जाएगी यहाँ तक इस तरह से। और जो 2 सेंटीमीटर की लाइन है ये हमारी सिर्फ यहीं तक है, इतनी है। अब आप यहाँ पे इस लाइन को डार्क कर सकते हैं, इस लाइन को भी हम यहाँ से आगे से डार्क कर सकते हैं, इस लाइन को भी हम आगे से यहाँ ऐसे डार्क कर सकते हैं। अब ये सही मायने में कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे हमने लेना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी लेना है 5 सेंटीमीटर, ये बेंच है हमारा, ये आप देख सकते हैं। ये 5-5 सेंटीमीटर के मैं एक साथ ही लेता हूँ, पहले मैं जो आपके खड़े पर है हमारे पाए है 5-5 सेंटीमीटर वो लूँगा, फिर इधर वाली लाइन है जो मैं बाद में हम 5-5 सेंटीमीटर लेते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ा ध्यान रखना है आपने, इसके अंदर ये जो है लाइन नहीं जानी चाहिए। और अब इसमें 5-5 सेंटीमीटर की है, यहीं से इसके प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो लाइन है वो यहाँ पे इसमें ऐसे डार्क आनी है इसके अंदर, तो यहाँ पे ये डॉटेड आना है इतना सा 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पे भी ये हमारा है, इसके अंदर यहाँ तक ये हमारा डार्क आएगा, और यहाँ पीछे जो है ये हमारा डॉटेड आएगा, यहाँ भी इसके अंदर ये डॉटेड आएगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और ये जो लाइन आएगी ये भी हमारी यहाँ पे पीछे डॉटेड आएगी इस तरह से। और अब आपका ये है लाइन, तो ये लाइन आपकी यहाँ पे हमारी डॉटेड आएगी इस तरह से। और अब हम लेते 5 सेंटीमीटर के समांतर या इसका प्रोजेक्शन लेंगे, तो यहाँ से ये यहाँ तक बिल्कुल डार्क हमारी आएगी, और इधर ये हमारी 2 सेंटीमीटर डॉटेड आएगी, ठीक है जी। अब हमारी ये जो लाइन है ये हमने सिर्फ अपनी हेल्प के लिए ली थी, हल्की लाइन, ये हम मिटा देते हैं। देखो इससे हमारा बिल्कुल जल्दी से कार्य हो गया, और हमें ज़्यादा मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कोशिश करो इतनी हल्की लाइनें लगाओ कि जब आप लाइन को मिटाते हैं तो आपको दिक्कत ना आए। ये मैंने एलिवेशन यहाँ लिखा, आप यहाँ भी लिख सकते हैं एलिवेशन, ये साइड मैंने ऊपर लिखी है, हमने पहले पेपर डिजाइन से पहले लिख ली थी, नहीं तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ये आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि साइड का ही पोर्शन है, तो आप साइड यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह से
ये आपका बनेगा। अब मैं इसमें 2 सेंटीमीटर लगा लेता हूँ पहले। यहाँ पे और ये आपको 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो आपको हर पाए में नापना पड़ेगा यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर। इस तरह से। और अब ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारे डॉटेड आएंगे और इस तरह से ये आपकी साइड भी अब बन के तैयार होगी। इस तरह से ये आपकी साइड बननी है, तो आपने भी कोशिश करनी है कि इसी तरह से अच्छे से बनाएं, सफाई से बनाएं। अब हम इसका बनाते हैं प्लान। प्लान इसका कैसे बनेगा, ये आपकी फीकी लाइन है। मैं कोशिश करता हूँ पहले हल्की लाइनें लगाऊं ताकि बाद में मैं इनको डार्क करूं जो मुझे ज़रूरत पड़े। इस तरह से आप देख सकते हैं जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है अभी तक स्केल ड्राइंग में, सब वीडियो आपकी 10th क्लास की आधे घंटे से कम की है, हार्डली आधे घंटे की। तो आप देखिए आधे घंटे में आपको 24 नंबर मिल जाएंगे, तो आपके कौन ही बसता है, तो आप अच्छे नंबर इसमें ले सकते हैं। ये आपका ए पेपर है, तो हम इसमें सबसे पहले यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेते हैं, 2-2 सेंटीमीटर का ले लेते हैं पहले, क्योंकि हमें ज़रूरत होनी है। अब ये 5 सेंटीमीटर का है, सबके हमने प्रोजेक्शन लेने हैं यहाँ से। ये आपका है यहाँ से, और आपका 2 सेंटीमीटर का है, ये आपका 5 सेंटीमीटर का है, सारे जितनी हमारी साइड की लाइनें हैं ये सबके प्रोजेक्शन आएंगे, और जितनी आपकी एलिवेशन की लाइनें इनके सबके प्रोजेक्शन आते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमने इसके प्लान में प्रोजेक्शन लेने हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो ये हम यहाँ पे यहाँ निशान लगा देंगे, तो ये हम यहाँ पे इसे निशान लगा देंगे, और अब हमने इसको आगे मिला देना है। सबसे पहले हमने यही लाइनें लेनी है ताकि हमारा ये बिल्कुल कार्य बिल्कुल सही हो। तो इसके बाद लाइनें हैं जैसे मैंने एलिवेशन में लगाई थी उसी तरह से पहले ये प्लान में भी इसी तरह से लगनी है लाइनें, इस तरह से। ये देख सकते हैं इसके बाद इसमें ये वाला जो पाया है 5-5 का, हम 5-5 का प्रोजेक्शन ले लेते हैं यहाँ से। ये आपकी ऊपर की फट्टी है, सबसे पहले हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ से अंदर को 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये हम निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर अंदर को 5 सेंटीमीटर है, ये हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, और यहाँ से इधर है तो ये हमारा निशान लग गया है। तो हम इसके यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ इसके सीध में हम यहाँ पे डॉटेड लगा देंगे ऐसे, यहाँ पे हम डॉटेड लगाएंगे, ये लगेगा डॉटेड ही। और ये आपका 5 का है पाया, तो इस तरह से। और यहाँ पे भी यहाँ पे भी हम इसको डॉट लगा देंगे,
तो हम इसको यहाँ पे इसी के सीट में हम नीचे इसी के प्रोजेक्शन हम नीचे ले लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपके पाए जो है वो बन जाएंगे। यहाँ पे है इस तरह से इसमें ये पाए बन जाएंगे। अब इसमें दो दो सेंटीमीटर की फटिया लगी हुई है तो हमने वो भी ले लेनी है यहाँ पे दो दो सेंटीमीटर की। और ये सारी जो फटिया है वो डॉटेड है। अब हमने क्या करना है, आप यदि इसकी साइड देखते हैं साइड में आप देखेंगे तो जो ये वाली फटिया है ना ये वाली फटिया ये पीछे तक है, यहाँ भी पीछे तक है। तो ये हमने यहाँ पे नीचे जो है पाँच पाँच की पूरी है लगी हुई इस तरह से। अब हमने इनको इस तरह से शो करना है पूरा ये। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये भी यहाँ से यहाँ तक है। ये जो हमारी फट्टी है ये पूरी आई इस तरह से, ये हमारे डॉटेड आएंगे। अब इसमें हमने दो दो सेंटीमीटर लेना है तो दो दो सेंटीमीटर के लिए भी हमने यहीं से प्रोजेक्शन हम ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी इसमें दो सेंटीमीटर की लाइन आएगी इस तरह से। हम इन लाइनों को पूरा लगा देंगे यहां से इस तरह से लाइन आएगी। सिर्फ पायों के बीच में ही डॉटेड लाइन आनी है इस तरह से। यहां हमने मिला दिया है इस तरह से। हमने इसमें दो दो सेंटीमीटर की ये डॉटेड लाइनें लगा देनी है इस तरह से। हमारा दो दो सेंटीमीटर का जो है वो डॉटेड लाइनें हमारी आ जाएगी, जो ये फट्टियां हैं फट्टियों के प्रोजेक्शन हमारे ये आ जाएंगे इस तरह से। ये हमारी स्केल जो है वो बनके तैयार हो जाएगी इस तरह से। आपने भी बनानी है ये, आपका एलिवेशन साइट प्लान प्रोजेक्शन बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमने यहाँ पे स्केल कार्ड बनाना है और इसमें जो स्केल नंबर हमने यूज किया है वो है 1.10 सेंटीमीटर का। तो आपने यहाँ पे जो हो स्केल कार्ड बना देना है तो तभी आपकी जो स्केल है वो कम्प्लीट होगी। और इस तरह से ये आपकी स्केल बन के तैयार हो गई है। ये हमारे सारे प्रोजेक्शन जो है वो एलिवेशन वाले सारे आ गए हैं। यहाँ से हमारे इधर को जो आते हैं वो
सारे साइड वाले आ चुके और इस तरह से आपकी जो स्केल है वो बन के तैयार होगी। आपने भी इसी तरह से सफाई से इसको बनाना है।